ये जो डिसीज़न है मेरा, वो जगह जाने का और वो जगह दिखाने का, ये मेरा खुद का अपना डिसीज़न है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जगह दिखानी चाहिए। घर परिवार उस आखिरी गांव तक ही सीमित हैं, उस पर को ना कोई गांव है, ना कोई घर, ना लोगों का रहन सहन। बहुत बड़ा रिस्क भी है एक हिसाब से, क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्र है। और हेलो गाइज, वेलकम, स्वागत है आपका केशव कुंदन ब्लॉग्स में। और अभी आया हूँ मैं पिथौरागढ़ के वरदानी जगह पर। पिथौरागढ़ में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं फ्री माइंड आता हूँ और टेंशन सब कुछ छोड़ के, मतलब शांत रहना चाहता हूँ, तो इस जगह पे आना चाहता हूँ। और कुछ ख़ास बातें कहनी होती मुझे आपसे, तो इस जगह पे आता हूँ, वरदानी पे। तो एक बार मैं आपको ये वरदानी जगह दिखा दूँ बेहतर तरीके से। ये जो सामने है, ये पिथौरागढ़ का मार्केट, पिथौरागढ़ का मार्केट, वो भी एक तरफ का, ये नहीं कि पूरा मार्केट इतना ही है। पिथौरागढ़ का मार्केट और पिथौरागढ़ के गाँव। तो भैया, ख़ास बात क्या है, ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ मैं। एक बार आपको ऊपर पर जाएगा ना, वहाँ पे करता हूँ खास बात, वहाँ से कई चीज़ें और बेहतर तरीके से देखने को मिलती है। सो चलते हैं वहाँ पे। तो गैस पहुँच गया इस जगह पर, इस जगह पर मतलब इससे पहले जो शूट कर रहा था वो उस जगह पे कर रहा था, और अभी ऊपर आ गया हूँ इस जगह पे। और इस जगह से कुछ ख़ास नज़ारे दिखते हैं, और कुछ ऐसी जगह भी जहाँ मैं जाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ आने वाले ब्लॉग में। आपको दिख रहा है सामने बर्फीली पहाड़ियाँ, उस जगह पे जाना और उस जगह को एक्सप्लोर करना है। वो जगह मुनस्यारी, एक खूबसूरत जगह, टूरिस्ट पैलेस कहते हैं मुनस्यारी को। तो मुनस्यारी पहुंच के वो सारी जगह मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी जगहें आपको दिखाऊंगा जहाँ की मतलब अपने इंडिया की आखिरी आबादी रहती है। आखिरी आबादी कहने का मतलब ये है कि घर परिवार उस आखिरी गाँव तक ही सीमित हैं, उस पर को ना कोई गाँव है, ना कोई घर, ना लोगों का रहन सहन। उन गाँव में जाकर आपको उन गाँव को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कराऊंगा, और उन गाँव को लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, और ख़ुद मैं किस तरह से सर्वाइव करता हूँ उस जगह पर। तो एक बार ये नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको इधर से किस तरह का दिख रहा है, क्योंकि कई जगह है वहाँ पे जो यहाँ से दिख नहीं पा रही, क्योंकि कुछ बादल भी लगे हुए हैं और जिस वजह से पहाड़ियाँ दिख नहीं पा रही। फिर भी एक छोटी सी कोशिश, और इस जगह पे पहुंचने की खास वजह यहाँ से जो जगहें दिखती है खास, आपको बता दूँ, जैसे तो सामने वो पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, बर्फीली पहाड़ियाँ, उस जगह पे है मेरी अगली राइड। ये बताना चाह रहा था मैं आपको, वो जगह है मुनस्यारी। मुनस्यारी से वो पहाड़ियाँ और नज़दीक देखने को मिलेंगी, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो जगह दिखाने और बताने लायक। तो मेरी जो अगली राइड रहने वाली है, ये आने वाला ब्लॉग, तो उस तरफ को जाते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करूंगा मैं बेहतर तरीके से, और कोशिश करूंगा कि आपका बेहतर तरीके से एंटरटेनमेंट हो और उस जगह की बेहतर जानकारी मिले आपको। तो उस जगह पंचाचुली का एरिया, वो जगह है महाभारत में भी उस जगह का उल्लेख किया गया है, पंचाचुली का। पांडव के पास हुआ है राजपाट तय के, जो सर की तरफ गए थे उसी पंचाचुली होते हुए गए थे आगे को। और हाँ, इस जगह पर जो है एक खूबसूरत तिरंगा भी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो वरदानी पे आना इसलिए खास लगता है क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें हैं और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना, वरदानी पे, पिथौरागढ़ के वरदानी जगह पे। उन्हें को तो ऊपर चंडाग भी है, लेकिन वो दूर भी हो जाता है, फिर उधर ठंडा ज़्यादा होता है थोड़ा मार्केट के मुकाबले। तो इस जगह पे आया हूँ, और ये चीज़ें मैंने बताई आपको कि आने वाले ब्लॉग जो है मेरे मुनस्यारी की तरफ के दिखेंगे, क्योंकि अभी देखिए जैसे जनवरी का महीना है तो ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस जगह पर जो है -10-20 कुछ ऐसा टेम्परेचर रहता है। और उस जगह पर जाकर मैं खुद सर्वाइव करूंगा और वहाँ के लोगों को दिखाऊंगा किस तरह का खान पान और रहन सहन है उन लोगों का जो वहाँ पे जीवन बिताते हैं, और एक बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये कुछ बातें जो मैं इस वरदानी स्पॉट पर आके आपसे कहना चाहता था, और अपने आने वाले ब्लॉग्स और किस तरह के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। और आपका सपोर्ट चाहिए होगा तो सपोर्ट कीजिएगा, और मैं एक बेहतर तरीके से आपको एंटरटेनमेंट कर सकूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। और ये कुछ बातें जो मैंने बताई, और मेरे पिछले ब्लॉग में काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, आपको काफ़ी अच्छा प्यार मिला, आने वाले ब्लॉग में भी अच्छा सपोर्ट कीजिएगा, और मैं बेहतर तरीके से एंटरटेनमेंट करूंगा और कुछ नया करने जा रहा हूँ इस बार, और वो चीज़ें काफ़ी रिस्की भी हैं जिसके लिए आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी बच्चे लोग आते हैं इसमें, तो आपको बीच बीच में शायद बच्चों की आवाज़ भी सुनने को मिल रही होगी मेरे से बात करते हुए। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे को, और वरदानी स्पोर्ट्स अभी नीचे पहुँचा है, यहाँ पर उल्का मंदिर है, तो एक बार आपको उल्का मंदिर के भी बेहतर तरीके से दर्शन करा दूँ।
जय माता दी। अभी पहुंचा हूँ उल्का मंदिर पे, और आपको बता दूं जो वरदानी स्पॉट है वो यहाँ से कितना दूर है। जो सामने दिख रहा होगा आपको तिरंगा, वो वरदानी है, और वहाँ से यहाँ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे है। तो अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। इस जगह पे आना ज़रूरी इसलिए था कि गाइस, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे आने वाले ब्लॉग में मैं आपको मुनसारी के लास्ट मतलब समझ सकते हो आपकी, जहाँ आखिरी बासिंदे रहते हैं, जहाँ आखिरी फैमिली रहती है इंसानों की, उस जगह पे जा रहा हूँ। सिर्फ सिंगल अकेला बंदा पूरा सर्वाइव करूँगा उस जगह पे, और वो सारी जगहें आपको दिखाऊँगा। वो जगह अब तक शायद ही दिखी होगी आपको यूट्यूब पे। वहाँ ना जान है ना पहचान, वहाँ एक ही चीज़ काम आएगी, वो है खुद का मेरा अपना बिहार, और ये काम जो उन्हें बताऊँगा कि मैं इस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये चीज़ें मुझे देखनी थी, और आप लोगों को मतलब व्यूअर्स सब्सक्राइबर जो भी है सारी दुनिया को दिखानी है। तो फिर देखते हैं वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या रहता है और किस तरह का साथ देते हैं वो लोग मेरा, वो सब कुछ आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। किस तरह के लोग हैं उस जगह पर और किस तरह की जगह है वहाँ पे, वो मैं पहली बार देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। कुछ ये बातें थी कि उस जगह पे जाने से पहले इस उल्का माता के मंदिर पे आना था। मंदिर पे आके माथा टेकने के बाद थोड़ा हिम्मत आती है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाता है अच्छा सा। ये जो डिसीज़न है मेरा उस जगह जाने का और उस जगह दिखाने का, ये मेरा खुद का अपना डिसीज़न है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जगह दिखानी चाहिए और काफ़ी कुछ चीज़ें उस जगह पे दिखाने लायक हैं, और अभी तक किसी ने दिखाई भी नहीं है वो जगह। बहुत बड़ा रिस्क भी है एक हिसाब से, क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्र है और बहुत ठंडा एरिया है वहाँ, और आखिरी गाँव है, तो शायद कुछ सुविधाएँ भी कम ही होंगी उस जगह, ऐसा लगता है मुझे। अब वो तो वहाँ जाके मालूम पड़ेगा क्या कुछ है क्या नहीं है। तो रिस्क है, और रिस्क लेना भी ज़रूरी है, और आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट के बिना मेरा रिस्क किसी काम का नहीं। तो सपोर्ट कीजिएगा गाइस, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ है तो सिर्फ आप लोगों का प्यार और उल्का माता का आशीर्वाद। सो प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। ये कुछ बातें थी गाइस जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।